हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। वेकअप पोएम को कल हमने अपनी कॉपी में लिख लिया है, उसे पढ़ना और उसे लयबद्ध तरीके से गाना हम लोग सीख चुके हैं। तो आज हम इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। पहला शब्द है बीज। बीज मीन्स मधुमक्खी। टाइनिस, टाइनिस माने वेरी स्मॉल, सबसे छोटा। थर्ड वर्ड इज बजिंग। बजिंग मीन्स मधुमक्खी की आवाज़। फोर्थ वर्ड इज हरी। हरी मीन्स जल्दी। फिफ्थ वर्ड इज चीप। चीप चीप मीन्स चूजे की चू चू करने की आवाज़। नेक्स्ट वर्ड इज सिंगिंग। सिंगिंग मीन्स गा रहा। द फिफ्थ वर्ड इज लवली। लवली मीन्स सबसे प्यारा या सुंदर। नेक्स्ट वर्ड इज वेकअप। वेकअप मीन्स जागो। तो यू हैव टू राइट डाउन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक विद इट्स मीनिंग। अब नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स। इस बॉक्स में हमने कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को आपने नीचे में सेंटेंस बोल रहा हूँ और हरे रंग से जो आप डैश के मार्क्स देख रहे हैं उन बीच में इन वर्ड्स को आपने फिल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज इट इज़ अ डैश डे। डैश की जगह पे क्या आएगा आप लोग इस बॉक्स में से देख के लिखेंगे। सेकेंड वर्ड इज द बीज आर डैश। थर्ड वर्ड इज डैश अप। फोर्थ वर्ड इज हरी अप यू आर डैश। फिफ्थ वर्ड इज स्लीपी हेड मीन्स डैश। तो इस बॉक्स में वर्ड्स हैं बजिंग, लवली, अनविलिंग टू गेट अप, हरी, गेटिंग लेट। तो इन शब्दों को आपने इन फिलअप्स में भरना है। द नेक्स्ट असाइनमेंट इज क्वेश्चन आंसर। सम क्वेश्चंस आर देयर, तो यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आंसर ऑल्सो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोएम। तो यू ऑल नो द पोएम नेम इज वेक अप। सेकेंड क्वेश्चन हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। द पोएट नेम इज सी फ्लेचर। यू हैव टू राइट डाउन दिस आंसर। थर्ड क्वेश्चन हु डज द पोएट वॉन्ट टू वेक अप। द पोएट वॉन्ट टू वेक अप द लिटिल बॉय। वट आर द बर्ड्स डूइंग। द बर्ड्स आर सिंगिंग। हु आर बजिंग। द बीज आर बजिंग। सो ऑल फाइव क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड शो मी माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। द थर्ड असाइनमेंट इज राइमिंग वर्ड। सम राइमिंग वर्ड्स आर देयर इन दिस पोएम। यू हैव टू राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स लाइक day, play, trees, bees, bed, head, sheep, cheap, out, about. So you have to write down all these rhyming words. Thank you.